सघन प्रचार कर रहा हूँ, अब तक लगभग 130 गांव घूम चुका हूँ और कोई 150 मेरी छोटी बड़ी मीटिंग हो चुकी है। विश्व यादव जी यहाँ पर है, सिटी में ही मेरा बहुत ही सघन व्यापक कार्यक्रम चले हैं, तो मैं जनता के समर्थन से बहुत ही अभिभूत हूँ। और मैं तो इस पेशे से आता हूँ, विदेश कानून मंत्री हूँ, लेकिन पटना सिटी के वकीलों ने बहुत ही स्नेह भाव दिखाया और उस स्नेह भाव का कारण सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, ये देश नरेंद्र मोदी जी को दोबारा भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। वो एक हवा चल रही है और उसका अनुभव मुझे हर जगह। पटना में जो मुद्दे हैं आपके चुनाव लड़ने का, तो आपके पहले के जो सांसद थे उन्होंने लगातार यहाँ पर रहे, लेकिन इनकम्बेंसी उनके खिलाफ बहुत है। देखिए, मैं आपके पटना के वर्तमान सांसद का कभी नाम नहीं लूँगा और कभी लूँगा, मैं चुनाव मुद्दों पर लड़ रहा हूँ। आपकी जानकारी के लिए मैं पटना में मेट्रो ट्रेन ले आया, मैंने प्रधानमंत्री को कहा, स्मार्ट सिटी में मेरी कुछ भूमिका रही है। आज पटना के हर घरों में गैस की सप्लाई पाइप से हो, ये हमारी कोशिश चल रही है। भारत सरकार की योजनाएं, प्रदेश की योजनाएं, नंदकिशोर जी मेरे बगल में खड़े हैं, काफ़ी काम हुआ है इस इलाके में, तो हम लोग मिलकर पटना को और खूबसूरत बनाएं, सुविधा दें, ये हमारी प्राथमिकता है। आईटी मंत्री के रूप में मैं पटना में 8 BPO ले आया हूँ, आपके सिटी में भी चल रहा है, डेटा सेंटर आ रहा है, STPI का एक्सपेंड किया है, तो स्टार्टअप मूवमेंट यहाँ पर हो। बिहार के नौजवानों में बहुत उद्यमशीलता है, मैं देखता हूँ, हमारी कोशिश होगी सब मिलकर। आप नाम नहीं लेते हैं, वो कहते हैं मैं पूछूंगा कि मेरा नाम क्यों नहीं लेते हैं। अब ये बात आप उनसे पूछिए। तेजस्वी जी।